प्यारी सी मस्तानी सी, वाह 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 वाह, ब्लॉक कर गई। वो अच्छी लगती है हमको, बस उसको प्रपोज करना है, उसको पटाना है, जो जो भी होता है। बोला कहिसे तू हमरा के भूल जाइबू, सैया के गोदी में जाके झूल जाइबू। अरे ब्लैक कोबरा, गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड सब तो जहर खा लेता है, हम तो सिर्फ पैर तुड़वाया है मतलब। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। मजेदार और खास इसलिए क्योंकि आज मैं आपको जिससे मिलाने ले जा रहा हूँ वह एक मल्टी टैलेंटेड लड़के हैं। बाकी तो आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं रियल रोशन भाई की बात कर रहा हूँ, जो बिहार के एक उभरते हुए मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं। इस वक्त हम लोग NH57 पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये NH57 है। तो चलते हैं उनके घर पर अब और आपको मिलाते हैं उनसे, तब तक आप उनकी कुछ वीडियोस देख लीजिए। भगवान हमर सेटिंग करा दीजिए, 1 लीटर दूध चढ़ाएंगे। भगवान सबका तुड़वा दीजिए, पूरा भैंसे दे देंगे। कौनो बगिया के खिलल कली लगेलू, तोक देखी के चंदा सर में जाई हो। भाई साला रे, स्कूल कब जाएगा है? कहा बाबूजी, कितना बढ़िया सपना देख रहे थे। सपना में चंपा को देख रहे थे, उनको कोरा में लिए हुए थे, और आप जो आके सपना तोड़ दिए, पूरे मूड का कचरा कर दिया आप। चंपा के है रे? चंपा भैया का माल है। तुम लोगों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने की। फाइनली जो है मैं अभी पहुंच चुका हूं रियल रोशन भाई के घर पे, और आप देख सकते हैं कि जो इनके घर का जो नजारा है, बाहर से इनका घर कैसा दिखता है। तो ये इनका पुराना घर था और इधर जो है ये नया घर बना रहे हैं अभी। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं रोशन भाई से, चलते हैं उनके घर के अंदर। ये है रोशन भाई, जिनसे मिलाने में आज आपको लाया हूँ। रियल रोशन वाइंस करके जो है इनका चैनल चलता है यूट्यूब पर। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं इधर, ये स्टूडियो बनाए हुए हैं अपना ये। हाँ, अभी मेरा यही है, इसी से सब काम चलता है, इसी से टोटल काम चलता है इनका। सबसे पहले अपना जो शुभ नाम है हमारे दर्शकों को आप अपना बताइए। जी मेरा नाम है रियल रोशन, और थैंक यू यहाँ तक आने के लिए आपको, और आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा प्रणाम। और जिस तरह आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते रहिएगा। और भैया का भी जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को मतलब लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो वायरल हो, इसे बूस्ट मिले। ऐसे ही करके एक दूसरे को जानकारी मिलती है कि हाँ हमारे क्षेत्र में कोई जो है ऐसे यूट्यूबर भाई हैं। जब मुझे भी किसी की वीडियो देख के ही पता चला था कि आप यहाँ पर सुपौल डिस्ट्रिक्ट के ही यूट्यूबर हैं। जैसे कि आपको पता नहीं था कि हम सुपौल से हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती है कि हम कभी इस तरह से बताए भी नहीं है कि सुपौल से हैं। हमारे टीम में एक अनीश भाई है जो एडिटर है, अभी बगल में वो आपको मैं मिला देता हूँ। अनीश भाई से, अनीश भाई यहाँ आइए। अनीश भाई यहाँ पे, यही है अनीश भाई जो एडिटर, जिनके बारे में ये बता रहे थे अभी। नमस्ते प्रणाम सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद। और मैं हूँ बक्सर से, और रोशन भाई से जब मैं कांटेक्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये सुपौल कहाँ है। तो मैं इनसे लोकेशन, डायरेक्ट लाइव लोकेशन मांगा था, तब मैं उस हिसाब से यहाँ पे आया था, मुझे नहीं पता था यहाँ का। इससे पहले आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते थे? टीम शुरुआत में नहीं रहने के कारण हम टिकटॉक से स्टार्ट किए थे। हमारी आवाज पे ना बहुत सारे लोग वीडियो बनाते थे, तो वो अंदर से खुशी मतलब कहिए वो एनर्जेटिक हो जाते, अरे वाह मतलब कोई हमारी आवाज पे बना रहा, तो हमको लगता था नहीं कुछ तो है जो बना रहा है और हम कर सकते हैं। ऐसे करते जब टिकटॉक बैन हो गया, तो टिकटॉक बैन होने के बाद तो कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। और अंदर में है कि भाई एक्टर बनना है, एक्टिंग लाइन में नाम कमाना है, जज्बा बना हुआ है, कुछ करना है। जब टिकटॉक जाने लगा तो मतलब हुआ कि अब यूट्यूब चैनल बनाना है। जब हम यूट्यूब चैनल बनाए तो जब टिकटॉक पे बोले गाइस अब तो टिकटॉक बैन होने वाला है, और क्या कीजिएगा, हमारा वीडियो देखने के लिए आ जाइए आप लोग जो है यहाँ पे। तो जिस समय टिकटॉक बैन हुआ था उस समय में कितने फैंस थे आपके टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे तो फैंस ही होते थे। हाँ, टिकटॉक पे फैंस होते, उस समय हमारे वहाँ पे 7 लाख कुछ था, ठीक ना। अच्छा, तो ये बताइए आपकी जो टीम है उसमें कितने लोग हैं अभी आप लोग? हमारी टीम में टोटल 9 मेंबर है। आपकी टीम में एक ब्लैक कोबरा है, जिसको आप लोग ब्लैक कोबरा कहते हैं। दर्शकों को उसका, उनका जो है असली नाम नहीं पता है, तो आप दर्शकों को उनका असली नाम बता दीजिए। जी, उनका असली नाम है सजित पासवान, बस उनको ब्लैक कोबरा बड़े प्यार से हम लोग बोलते हैं, और
उनको भी अच्छा लगता है सुनने में और हमारे पब्लिक को भी अच्छा लगता है। ब्लैक कोबरा के तो खैर हम भी फैन है क्योंकि उनकी जो एक्टिंग होती है वो बड़ी गजब होती है। मैं आपको भी दिखा दूंगा वीडियो में ब्लैक कोबरा की कहीं पे एक्टिंग उनका। अभी मौका है चंपा को आई लव यू बोल देते हैं। ठीक है ठीक है। उनका रिएक्शन का फैन हम खुद है। ठीक है। गजब का रिएक्शन होता है उनका। हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे पुष्पा राज, ठीक है, लेकिन पुष्पा राज का ट्रेंड जो है ना 3 महीना पहले खत्म हो चुका था। सुबह के 4 बजे की बात है, जैसे नींद खुली तो सोच रहे हैं यूट्यूब पे काम स्टार्ट करना है कब से ऐसे, तो माइंड में एक स्टोरी आ गया हमारे साथ, मतलब बगल में होता है कॉपी कलम, ठीक है, उसको हम लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और स्टोरी लिख के चैनल भी हम बना लिए। ठीक है, और सब कंफ्यूज किया, अरे इसको क्या हो गया। 9 बजे तक 9:30 बजे तक मेरे यहाँ सब आए। ठीक है, और हम 11 बजे से वीडियो बनाना स्टार्ट किया और वो वीडियो ना हम एक दिन में शूट कर दिए। और वन डे स्टोरी, वन डे चैनल क्रिएट, सब कुछ वन डे में हुआ। और वो वीडियो मतलब डाले और आप सभी का प्यार दुलार था, वीडियो वायरल हो गया, करोड़ों व्यूज आज के डेट में उस वीडियो पर है। हाँ। और इनका एक परिचय देता हूँ मैं अभी आपको, ये एक चंपा के आशिक भी है। और आप सोच रहे होंगे चंपा कौन है, तो बालवीर 2 अगर या बालवीर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि चंपा कौन है। ऐसे इनके मुंह से जानते हैं कि चंपा कौन है जी। एक्चुअली अगर कहा जाए तो चंपा एक कैरेक्टर है और हम बालवीर है, वो अच्छी लगती है हमको, बस उसको प्रपोज करना है, उसको पटाना है, जो भी होता है इस तरह से बस। रियल लाइफ बता रहे हैं कि रियल लाइफ, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में तो भाई। अभी आपके सामने जो है ना ये गायब होंगे और बालवीर प्रकट हो जाएंगे एकदम। अच्छा देखिए, अचानक से जो है हमारे सामने अब बालवीर प्रकट हो चुके हैं और रोशन जो थे वो जा चुके हैं। ऐसे पहले से कुछ ऐसा तय नहीं था कि हमको बालवीर भी बनना है, भाई जी बोलते गए और आप लोग से बोल दिए कि अब ये बालवीर वाला रूप में आएंगे, हम भी कंफ्यूज, भाई अब तो पहनना पड़ेगा आप लोग के लिए, मजबूरी हो गया, अब क्या करें। चलिए आप लोग के लिए कुछ भी, दर्शकों के लिए ही तो इतना मेहनत है, आप लोगों का बस प्यार मिलते रहना चाहिए। आप लोग पार्ट 3 जरूर देखिएगा। शुरू से ही अपने दर्शकों को बोलता आया हूँ कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को कुछ अपना जो है टैलेंट दिखाइए। जैसे कि लगभग में हर वीडियो में एक डायलॉग मेरा होता है, गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड सब तो ये कर देता है, हम कहीं नहीं कर सकते हैं। अरे चंपा, बॉयफ्रेंड सब अपने गर्लफ्रेंड के लिए तो जान तक दे देता है, हम एक बाइक नहीं चुरा सकते हैं, ये हो गया। या फिर एक और डायलॉग मेरा इसे पिछले वाला में था, अरे ब्लैक कोबरा, गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड सब तो जहर खा लेता है, हम तो सिर्फ पैर तुड़वाया है। मतलब इस तरह से हमारा आते रहता है, तो ये एक ज्यादा हमको भी अच्छा लगता है और हम दे देते हैं। आप गाना भी गाते हैं तो हमारे दर्शकों के गाना भी आप अपना सुना दीजिए। बोला कहिसे तू हमरा के भूल जाइबू, सैया के गोदी में जाके झूल जाइबू। हाँ बोला कहिसे तू हमरा के भूल जाइबू, सैया के गोदी में जाके झूल जाइबू। अरे भूल जाइबू हमके, बोला कैसे जियब हम। फिर लड़की कहती है, नखे कोनो गम, नखे कोनो गम, मिलल बाटे यारवा सैया हैंडसम। नखे कोनो गम, नखे कोनो गम, मिलल बाटे यारवा सैया हैंडसम। अच्छा एक डीजे वाला कुछ वो टोन था, बड़ा कॉमेडियन टोन था आप लोगों के गाने में, वो डीजे पूजा या कर ऐसे ही कुछ करके था जी, जी, जी। तो वो जरा करके दिखाइए दर्शकों को, बड़ा आनंद आता है आपका मुझे वो सीन देखकर एकदम, इसलिए मैं तभी से बार बार ब्लैक कोबरा को खोज रहा था, लेकिन संयोग बस दुर्भाग्य बस कहने के वो हमको मिले ही नहीं अभी। डीजे वाला सीन करके हमारे दर्शकों को दिखाई, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और दर्शक बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं इस चक्कर में और भागने लगते हैं, तो भागना नहीं है बस इनका, मैं वो आपको सीन दिखा देता हूँ। कोई भी गाना हम गाते हैं और हमारे जो बच्चे रहते हैं ब्लैक कोबरा, वो उसमें डीजे करता है, तो ट्विस्ट तो वही डालता है। हाँ हाँ। तो फिलहाल अभी आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन हम तो सिर्फ गाना गाते हैं, तो वो डीजे वाला रूप ना आप मतलब अदा करिए, हम तो यही चाहेंगे। आपका पब्लिक है, आप करिए खुद, आप इतना हमसे करवा रहे हैं तो जरूर कोशिश करते हैं हम, मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे आदत ही नहीं है जी, करना पड़ेगा। डीजे बस आप डीजे बोलिए और जहाँ बोलना आपको वहाँ हम बता देते हैं। जहिया से चल गइलो छोरी के हमके, डीजे जिंदगी भइल सुनसान हो। डीजे पूजा ने बोलना है, वो है ना छोड़ के चल गई तुमको, बस हंसी लगा दीजिए हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों चीज मिलता है बढ़िया से वो ब्लास्ट बनता है। ठीक है, वो उनका जो रोल है ना ब्लैक कोबरा का, वो कोई नहीं कर सकता है सिवाय ब्लैक कोबरा के, ये भी नहीं कर सकते हैं ब्लैक कोबरा का रोल जी। आप शायरी भी बहुत अच्छा रील्स में बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, या हमारे जितने भाई लोग जमा है सबके लिए एक शायरी बोल दीजिए। आप लोग को मेरा हेल्प करना पड़ेगा, वाह वाह करके। हाँ हाँ जरूर जरूर।
एक लड़की थी दीवानी सी, वाह वाह वाह, प्यारी सी मस्तानी सी, वाह 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 वाह, एक लड़की थी दीवानी सी, वाह 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 वाह, प्यारी सी मस्तानी सी, वाह 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 वाह, ब्लॉक कर गई। ब्लॉक ही कर गई। अब भैया बताइए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर रोशन भाई, और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं, हमारे जो आपके भी जो दर्शक हैं, वो बहुत ही सपोर्ट करेंगे हमारे इस वीडियो को, और मेरे जो दर्शक हैं वो आपके चैनल को भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग इनकी चैनल, इनके चैनल को जो सपोर्ट करिए, और हमारे भी चैनल को करिए भाई जी, भाई को भी सपोर्ट करिए बस, और यही कहेंगे ये बस, आप ही लोग का प्यार दुलार तो हमें आगे बढ़ाएगा, ठीक है, बस आप लोग का प्यार दुलार चाहिए, बाकी तो तहलका मचा ही रहेंगे। अरे भैया आप ही लोग ना सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे जी, हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, तबे ना आगे का वीडियो दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सुपौल।